सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वी आर कैट टू एनी वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट दिखाने के लिए गाइस। सो गाइस, आज का जो मैच है ना, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों गाइस? मतलब आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, आई मीन टू से दिखाऊंगा कि दो दो कार 98 से आप लोग कैसे बुझा लेते हो एंड दो दो कार 98 कितना ईजी है चलाने में। ठीक है, तो आप लोग आराम से कितना चाहे इतना किल कर सकते हो दो दो कार 98 अगर आप लोग अच्छे से यूज़ करते हो तो। और बेसिकली गाइस, आप लोगों को सबको पता है कि 27 तारीख के बाद रैंक पुश स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या चलाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पूरा देखो। मैं चाहता हूँ आप लोग इस बार जो जो मेरे सब्सक्राइबर है सबके सब ग्रैंड मास्टर जाए या 1 स्टार 2 स्टार लगा के हीरोइक में बैठे। सो गाइस, और एक बात, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को अभी तक तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, और गाइस प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलो चलते हैं वीडियो के अंदर इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, आप लोगों को गेम में जाने से पहले आप लोगों को लेना है बॉनफायर और उसके बाद स्कैनर, ये दोनों चीज आप लोगों को लेना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोगों को लेना है फैलकॉन जो जल्दी जल्दी उतरता है। तो गाइस ऐसे करके देखो, हम लोग थोड़ा एकदम साइड में उतरे, लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले भी बोलते हो, एकदम लास्ट में देखो हम लोग लोड के जगह पर उतरे जहाँ पर कार 98 मिल जाएगा गाइस। तो गाइस हम लोग इधर उतर गए आराम से, हम लोगों के साथ एक स्क्वाड भी उतरा था लेकिन हम लोगों ने फाइट नहीं लिया, ऐसे करके पहले लूट लिया। मैं तो इधर से आके मेरे को शॉटगन मिल गया था, तो इधर ऊपर उठने के बाद मेरे को कार 98 मिल गया था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कार 98 लेके मैं जा रहा था, मेरा जो स्क्वाड मेंबर ना वो उसके साथ फाइट ऑलरेडी चल गया था, तो उसने एक को मार भी दिया था। तो मैंने क्या किया, इधर से थोड़ा बहुत लूट करके इधर ही हम लोगों ने पूरा आराम से लूट लिया। पहले फुल लूट करना है आप लोगों को गाइस, कार 98 लोग कुछ भी लो, पहले आप लोगों को फुल लूट करना है। तो फुल लूट में आप लोगों को क्या लेना है, सबसे ज्यादा है मेडिकेट लेना है, आप लोगों को ग्लूअल लेना है। ठीक है, ग्लूअल अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्लूअल का पैड रखने के लिए बोलो, और नहीं तो आप लोगों को 5-6 ग्लूअल तो ऐसे मिल जाएगा। और गाइस ज्यादा से ज्यादा टोकन रखना आप लोगों के पास, टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो टोकन आप दोनों के पास 6-6 करके रखना होगा। तो इधर मैंने मेरा थोड़ा बहुत लूट हो गया आराम से, तो मेरे को दूसरा कार 98 चाहिए था। तो गाइस मैं दूसरा कार 98 ढूंढ रहा था लेकिन गाइस ऊपर से बंदे मार रहे थे, तो मैंने एक ही कार 98 से बहुत गंदा डैमेज दिया इन लोगों को। देखो गाइस बहुत ही खतरनाक डैमेज है कार 98 का, आप लोग अगर अच्छे से यूज करते हो तो। ठीक है, तो कार 98 यूज करने के लिए आप लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए, वो जो एक्सचेंज बटन होता है ना उसको ऑन करना होगा, और उसके बाद आप लोगों को अच्छे से कार 98 थोड़ा स्पीड से चलाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे चलाते हैं मैं लास्ट में दिखा दूंगा, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना। और गाइस मैं इधर से देखो इनको थोड़ा सा डैमेज देने के बाद नीचे से जा रहा हूँ इनके ऊपर रश करने, और मेरा जो पार्टनर है मतलब स्क्वाड मेंबर वो पीछे से जा रहा है, मतलब उधर से जा रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ से उनके ऊपर मतलब यू नो अटैक कर दिए। तो क्या हुआ, उधर से भी वो बंदा अटैक, मतलब मेरा जो स्क्वाड मेंबर है उसने भी अटैक कर दिया, मैंने भी इधर से अटैक कर दिया, तो वो लोग क्या हो गए मतलब बीच में सैंडविच हो गए। तो ऐसे करके आप लोगों को रश करना है गाइस। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, मेरे दोस्त को मतलब मेरे जो स्क्वाड मेंबर है उसको नॉक कर दिया था, तो पीछे से भी एक स्क्वाड आ रहा था, मतलब एक बंदा आ रहा था, तो मैंने इसको आराम से रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद वो बंदा इधर से रश करने वाला था, तो हम लोगों ने पहले मेडिकेट मारा। गाइस आप लोगों को भी ऐसे करके मेडिकेट मारना है, तो मैंने इधर से आराम से मेडिकेट मार के उसको भी खत्म कर दिया, नॉक कर दिया, मतलब नॉक करके उसको मार दिया, लेकिन उसका जो बंदा था ना वो भाग गया था। तो ऐसे करके आप लोगों को कोऑर्डिनेशन एक साथ रहना है, और गाइस आप लोगों को क्या बोलते हैं इसको, टीम के साथ रहना है, मतलब स्क्वाड मेंबर के साथ रहना है और फुल मेडिकेट रखना है। देखो एक ही कार 98 है लेकिन मैंने कितना गजब चलाया, दो बंदे को मार दिया अभी तक। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को अभी दो कार 98 चाहिए। ठीक है, दो कार 98 अगर मिल जाए ना गाइस, मतलब आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही मस्त है। सो गाइस मैं दो कार 98 ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था, और गाइस गर्मी मिल गया मेरे को। ठीक है, तो उसके बाद दो दो कार 98 लेके गाइस इतना गजब मैंने फाइट किया ना भाई, पूरा वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इधर से हम लोगों को आराम से लूट के दो दो कार 98 हाथ में लेके मेडिकेट वेडिकेट फुल करके लूट के आराम से सामने गए मारने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाए आप लोगों को क्या बोलते हैं रिम नाम जो होता है ना उधर उस साइड। तो गाइस हम लोग इधर आने के बाद मतलब इधर से जाने के टाइम मेरे पार्टनर को मतलब एक साथ नहीं था, तो किसी ने नॉक कर दिया था, तो मैं उसको ढूंढ रहा था एकदम ध्यान से, क्योंकि वो बंदा भी अकेला था और मैं भी अकेला था क्योंकि मेरे पार्टनर को उसने मार दिया था। तो मैं इस तरह थोड़ा सा साइड आके मतलब दूर आके, कार 98 पास से मत चलाना, दूर आके मैंने उसको पूरा मार दिया। मारने के बाद जल्दी से जाके मेरे जो पार्टनर है ना उसको रिवाइव किया टोकन से, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस टोकन हमेशा ज्यादा रखना, जहाँ पर भी मिल जाए, खरीदना नहीं है आप लोगों को रखना है, क्योंकि गाइस इससे आप लोग लास्ट में अपने जो स्क्वाड मेंबर है ना उनको आराम से रिवाइव कर सकते हो, मतलब। और ठीक है चलो, ज्यादा है तो थोड़ा बहुत खर्च कर लेना,
कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐसे करके मैंने इसको, मतलब मेरे जो टीम कोड है उसको मैंने रिवाइव कर दिया। करने के बाद हम दोनों ने मिलके इधर आराम से लूट कर लिया। उसके बाद गाइस इधर हम लोगों ने मतलब एकदम आराम से लूट वूट करके इधर ही थोड़ा सा स्टे करके देखा कोई बंदा पीछे से आता है कि नहीं। वो आ नहीं आया तो फिर हम लोग जोन के अंदर जाने लगे, क्योंकि गाइस जोन बहुत दूर था और जोन कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो गाइस कभी भी मतलब देखो, जोन के बाहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को जोन में रहना है हमेशा, थर्ड और सेकेंड जोन में, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इधर आ गए, तो इधर से सामने से एक बंदा जा रहा था तो मैंने बहुत मारा, लेकिन ये हुकोंग बन के गाइस एयर के कवर में चला गया। तो मैंने क्या किया, साइड से निकल के उसको मारने गया, लेकिन जो मेरा स्क्वाड पार्टनर है ना उसको उसने मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसको किल करने के बाद हम लोग सामने गए, सामने और एक बंदा था, तो हम लोग जाते रहे कवर में आके, यू नो आराम से उसको देख लिया, वो मर चुका था। तो गाइस मैंने क्या किया, सामने से जा रहा था, तो सामने से जाने के बाद जोन भी हम लोग के साइड था, एकदम साइड में रहे, दो दो खार 98 है हाथ में, और क्या चाहिए गाइस। तो इधर से जाने के टाइम गाइस अंदर से एक बंदा दिख रहा था मेरे को, मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन वो कवर में चला गया। तो मैंने क्या किया, उसको बहुत मारने की कोशिश की लेकिन दूर से, ऐसा नहीं किया सामने। तो मेरा जो पार्टनर था वो रश करने गया, क्योंकि मैंने उसको 150 का डैमेज दे रखा था। उसके बाद वो गंदा गाइस उधर से घूम के जा रहा था, तो मैंने उसको आराम से मार दिया। तो कार 98 का यही फायदा है गाइस, जिधर से भी बंदा जाए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस कार 98 थोड़ा सा स्पीड से चलाओ, बंदा 100% मरेगा। देखो इधर और एक बंदा जा रहा था तो मैंने इसको भी मार दिया गाइस, ठीक है, नॉक कर दिया, उसके बाद पूरा मार दिया, दोनों बंदे आए थे दोनों को मार दिया। सो गाइस ऐसे करके मैंने इधर सबको मार दिया। कार 98 है तो भाई सब मर जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो सामने और एक स्क्वाड था, तो मैं जल्दी से जल्दी रिलोड करके कार 98 को मैं जा रहा था, तो वो बंदे लोग उधर ही मतलब स्टे कर रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा सामने गया, सामने जाने के बाद दो दो बंदे जा रहे थे, तो मैंने उसको भी नॉक करके पूरा मार दिया गाइस। कितनी जहर वाला लुक्स था गाइस, मतलब कैसे मारे उसको, मतलब मैं ही जान पाता हूँ। आप लोग अगर खेलोगे, आप लोग ऐसे करके आप लोग किल करोगे ना गाइस, आप लोगों को पता चलेगा कितना जहर है कार 98। ओके, सो ऐसे करके मैंने उसको मार दिया। तो एक बंदा था वो कवर में था, तो मैंने उसके लिए वेट कर रहा था खुलने में, क्योंकि मेरे पास दो दो कार 98 है गाइस, कोई भी आ जाए मार दूंगा। तो ऐसे करके मैं हम लोग इधर स्टे कर रहे थे एकदम साइड में, लेकिन मेरा जो पार्टनर था ना वो मतलब खुशी मारे इधर उधर दुनिया भर में घूम रहा था, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कार 98 दो दो है, तो मैं किसी को भी नॉक कर दूंगा, तो इसलिए वो आराम से मतलब रश कर रहा था। इधर बैठ के मैं आराम से देखो उस बंदे के लिए वेट कर रहा था, तो वो बंदा निकला, मैंने उसको आराम से मार दिया फिर से। तो उसके बाद मेरा जो कार 98 का एमओ था थोड़ा कम था, तो मैंने क्या किया, पीछे जाके कार 98 का एमओ ले लिया इधर से। लेने के बाद गाइस सामने जा रहा था, तो दो ही बंदे थे और हम दो थे, तो मेरा 7 किल हो गया था भाई, क्या ही बोले, कितना गजब गजब किल किया था पता है। तो उस दर एक बंदा था उसने मेरे को बहुत डैमेज दे दिया था, लेकिन गाइस उसको मेरे पार्टनर ने मार दिया था, क्योंकि मैंने 180 का उसको ऑलरेडी डैमेज दे रखा था। ऐसे करके हम लोग इधर वेट कर रहे थे लास्ट बंदे का, तो लास्ट बंदे को मैंने बहुत डैमेज दिया, वो भी बहुत अच्छा बंदा था गाइस। कवर में जाके मेडिकेट मार के उधर ही बैठा था, निकल नहीं रहा था गाइस। उसके बाद वो थोड़ा सा निकला था, तो मैंने उसको 180 का डैमेज दे दिया था, लेकिन उसने मेरे को भी डाउन कर दिया था। तो कोई नहीं, मेरा जो पार्टनर था उसने थोड़ा सा वेट किया उसके लिए, तो वेट करने के बाद वो इमोट मार रहा था थोड़ा सा, मतलब यू नो मस्ती कर रहा था, तो वो बंदा निकल नहीं रहा था। तो बंदा थोड़ा सा निकला, उसने उसको इतना डैमेज दिया ना, वो बंदा डर के मारे एलिमिनेट हो गया गाइस। मतलब वो वेट कर रहा था, लेकिन वो बंदा वेट करके करते वो मर गया, एलिमिनेट हो गया। सो ऐसे करके गाइस हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक पुया ले लिया। सो गाइस आप लोग ऐसे करके आप लोग अगर कार 98 चलाते हो ना गाइस, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को पुया लेने से। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइस, और चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।